गुड मॉर्निंग, वेलकम और स्वागत है आपका आज की एक और नई वीडियो में। आज हम बात करेंगे दो सुपरस्टार्स के बारे में जिनका नाम है ऋतिक रोशन सर और विद्युत जामवाल सर। आज हम फिगर आउट करेंगे कि ये इतनी अच्छी बॉडी कैसे मेंटेन कर पा रहे हैं, कैसे बना रहे हैं। आज हम देखेंगे इनके डाइट प्लान के बारे में, क्या खाते हैं ये कि इतना अच्छा फिजिक ये बना पा रहे हैं, और क्या हम भी ऐसा खाना खा सकते हैं जिससे हमारी बॉडी भी इन लोगों की तरह बन जाए। सो शुरू करते हैं हम आज के वीडियो। विद्युत सर को बहुत पसंद है मार्शल आर्ट्स करना और उसी की वजह से उन्हें फिल्म इंडस्ट्री में जगह मिली है। आपने वो पिक्चर देखी होगी, कमांडो हो गई, फोर्स हो गई, क्या बॉडी थी। और अभी जो रिसेंटली उनकी जो पिक्चर आई है क्रैक, उसमें भी उन्होंने वैसा ही फिजिक, लीन मसल मास वाला फिजिक अभी भी रिटेन किया हुआ है, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो विद्युत सर सुबह वर्कआउट करते हैं तो उनकी पहली मील जो होती है ना, माने कि ब्रेकफास्ट, वो उनका एक प्री वर्कआउट मील भी होता है। उसके अंदर होता है 50 ग्राम मूसली, उसके साथ एक स्कूप वे प्रोटीन और एक बनाना। और ऋतिक सर का भी ब्रेकफास्ट लगभग सेम है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है जो कि है 6 एग वाइट्स और उसके साथ एक एवोकाडो। वो होता है ना एक फ्रूट जो भाई कभी खाना है पर कभी खा नहीं सकते क्योंकि महंगा बहुत होता है इंडिया में। वैसे आपको पता है एवोकाडोस कितने महंगे हैं, 200-200 रुपए के, 150 रुपीस का एक पीस मिलता है। एवोकाडोस ना फैट्स के लिए होता है, हेल्दी फैट्स होते हैं वो, पर हमने योक्स निकाल दिए। पर अगर हम योक्स खा लेते ना 6 अंडों के, सो आई गेस वो सेम ही चीज़ हो जाती। तो रेदर देन एवोकाडोस खाने से अच्छा 2-3 योक्स साथ में डाल लो, उसका ऑमलेट बना लो पूरे का, 6 एग्स 3 योक्स, तो वो भी एक आई गेस सही मील है। विद्युत जामवाल ने अपनी बहुत सारी वीडियोस में, बहुत सारे इंटरव्यूज में ये बोला है जो हम लोग बहुत ज़्यादा मिथ क्रिएट करते हैं कि कार्ब्स नहीं खाने चाहिए। फिटनेस इंडस्ट्री में ना कार्ब्स को बहुत ज़्यादा बुरा बोला जाता है, कार्ब्स खाओगे तो मोटे हो जाओगे, कार्ब्स नहीं खाने चाहिए, कार्ब्स कट डाउन कर दो तभी फैट लॉस होगा, वेट लॉस होगा। विद्युत सर की ये वाली टिप बहुत ज़्यादा अच्छी है जो कि आप खुद सुनो। कार्बोहाइड्रेट्स इज द फूड फॉर द ब्रेन। मैं बहुत फिट लोगों से मिलता हूँ और वो बोलते हैं कि मैंने कार्ब्स बंद किए हुए हैं। अगर आप कार्ब्स बंद करेंगे तो आपका दिमाग खराब हो सकता है, अग्रेशन, डिप्रेशन, नर्वसनेस, एंग्जाइटी, ट्रेबिटेशन, ये सब इसके हिस्से हैं। अब बारी आती है मील नंबर 2 की, जो होती है उनकी पोस्ट वर्कआउट मील। ये मील बहुत बड़ी होती है, इसके अंदर 200 ग्राम्स ऑफ टोफू होता है, एकदम प्लेन टोफू खाते हैं, और उसके साथ 2 इडली खाते हैं, सांभर खाते हैं और एक स्कूप वे प्रोटीन पीते हैं। मुझे पता था कि वे प्रोटीन ज़्यादा होगा बिकॉज वेजिटेरियन है, तो वे प्रोटीन को थोड़ा सा ज़्यादा कंज्यूम करने वाले हैं यहाँ पे वो। सो ये है हमारी पूरी की पूरी बहुत बड़ी मील। अब हम इसे खाते हैं और फिर हम बढ़ेंगे अपनी तीसरी मील की तरफ। और ऋतिक रोशन सर की जो सेकंड मील होती है वो होते हैं फ्रूट्स। कोई भी सीजनल फ्रूट्स को खाते हैं, पपीता खा लिया, एप्पल खा लिया, वाटरमेलन, मैंगो, एप्पल। और अब बात करते हैं विद्युत जामवाल सर के लंच की। लंच में वो कुछ स्पेशल नहीं खाते, जो घर पे बनाया गया वही खाते हैं। ये है दाल और ये है वाइट राइस, और ये देख लो ब्लैक दाल है ये, और उसके साथ एक सैलेड है, एक छोटा सा सैलेड का कटोरी भी वो साथ में खाते हैं। तो इसको अभी हम खाते हैं और उसके बाद हम बढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट मील की तरफ। अगर आपको इन दोनों की ब्रीफली वीडियो देखनी है कि कितनी कैलोरीज है, कितना प्रोटीन है, तो उन दोनों के लिंक भी मैं ऊपर डाल दूंगा, आप वो वाली वीडियोस भी चेकआउट कर सकते हो। After that, my next 4 meals is a set meal protein. और ऋतिक सर की मील नंबर 3 होती है ऑलमोस्ट 300 ग्राम्स ऑफ चिकन और उसके साथ है कुछ वेजिटेबल्स। जब भी हम लोग हाई प्रोटीन मील खा रहे होते हैं ना, तो डाइजेशन एक बहुत बड़ा इशू होता है, तो इसलिए आई गेस इसलिए वेजिटेबल्स खाई जाती हैं, और बेस्ट कॉम्बिनेशन होता है प्रोटीन के साथ वेजिटेबल्स खाने का। तो विद्युत सर शाम में मार्शल आर्ट्स के लिए जाते हैं, तो उससे पहले उपमा इनका प्री वर्कआउट मील होता है और उसके साथ ये वे प्रोटीन भी पीते हैं। वे प्रोटीन ये इसलिए पी रहे हैं क्योंकि ये वेजिटेरियन है, तो प्रोटीन कहीं ना कहीं से तो आना ही चाहिए हमारे अंदर। तो अब बात करते हैं उनके इवनिंग ब्रंच की, जिसमें वो खाते हैं उपमा। सो ये है 50 ग्राम्स ऑफ उपमा, इसको हम खाएंगे तो इसके अंदर बस 90 कैलोरीज है, और उपमा ना हेल्थ बेनिफिट्स के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर आप वेट लॉस कर रहे हो तो उपमा खाया करो, बहुत अच्छी मील है ये, इसके अंदर फाइबर भी अच्छा खासा होता है। ठीक सर की मील नंबर 4 फिश एंड सैल्मन, ये है अराउंड 200 ग्राम्स ऑफ फिश, उसके साथ है अगेन हमारी वेजिटेबल्स। अब हम इसे खाते हैं। सो अब बात करते हैं विद्युत जामवाल सर के डिनर की। अब इतना सिंपल खाना और इतनी अच्छी फिजिक। सो अब हम खा रहे हैं एक रोटी, उसके साथ है भिंडी। सो अभी हम खा रहे हैं ग्रीन वेजिटेबल जो कि मैं खा रहा हूँ भिंडी, और उसके साथ एक रोटी। कार्ब्स वो रात में थोड़ा कम खाते हैं क्योंकि पूरे दिन में उन्होंने बहुत अलग अलग फॉर्म्स के कार्ब्स को खाया है, और रात में आई गेस वो खाना कम प्रेफर करते हैं खाना। तो ये हम खाएंगे, उसके साथ हम वे प्रोटीन पियेंगे,
और हमारा ये डिनर हो जाएगा खत्म। और ऋतिक सर का जो डिनर है वो अगेन 300 ग्राम्स ऑफ चिकन और उसके साथ कुछ वेजिटेबल्स। ये वेजिटेबल्स जो आपको पर्पल दिख रही है ये रेड कैबेज है। ऋतिक सर की जो डाइट है थोड़ी सी हाई प्रोटीन ज़्यादा है। एक चीज़ जो हमें मिली ज़्यादा वो है ग्रीन वेजिटेबल्स, जो मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि मैं अपनी हर वीडियो में बोलता हूँ जिन जिन लोगों को डाइजेशन की प्रॉब्लम है प्लीज़ अपनी डाइट में ग्रीन वेजिटेबल्स को ऐड करो और देखो कितना ज़्यादा चेंज मिलेगा आप सबको। ऋतिक सर की डाइट प्लान के अंदर ना बहुत ज़्यादा प्रोटीन था और कार्ब्स तो आई गेस थे ही नहीं, जो थोड़ा बहुत कार्ब्स हमें चिकन से मिल रहा है बस वहीं से थोड़े बहुत कार्ब्स आए थे, बाकी उन्होंने चिकन खाया वेजिटेबल्स ज़्यादा खाई। और यही अगर मैं विद्युत सर की डाइट प्लान देखूँ ना तो वो एकदम डिफरेंट थी। प्रोटीन वो ले रहे थे कहीं ना कहीं से, पनीर खाया था वो, 3 स्कूप प्रोटीन पी रहे थे और भी बहुत सारी जगहों से वो ले रहे थे प्रोटीन और कार्ब्स भी अच्छे खासे ले रहे थे और वेजिटेबल्स भी थी। तो इन दोनों की अगर मैं डाइट प्लान कंसिडर करूँगा तो मैं थोड़ा सा यही कंसिडर करूँगा कि मैं विद्युत सर की डाइट प्लान की तरफ जाऊँ, क्योंकि एक्सेस ऑफ प्रोटीन भी एक तरीके से प्रॉब्लम ही होता है। तो ज्यादा मुझे जो बैलेंस्ड मील लगी ना वो मुझे इन दोनों में से विद्युत सर की लगी। बाकी कमेंट सेक्शन में बताना कि आप कौन सी डाइट प्लान को ज्यादा प्रेफर करोगे, ऋतिक सर की या विद्युत जामवाल सर की। सो अब मैं आपको मिलता हूं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।